जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें मैंने परिभाषा बताया था, उसका नोटबुक मैंने आपको दे दिया था बेटा। अब उसके बाद तुम्हारा जो है अगला है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का आपका बेटा 2 लाख
किमी पर सेकेंड है। यह क्वेश्चन तुम्हारा, तो ये पूछ रहा है कांच का क्वथनांक क्या होगा। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, क्या होगा, यही सवाल बेटा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है बेटा, उन माध्यमों में जो प्रकाश की, उन माध्यमों में प्रकाश के चारों के अनुपात करते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने ले लिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ले लिया, तो वायु में प्रकाश की चाल अपान के कांच में प्रकाश की चाल। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया ध्यान के एग्जाम्पल के तौर में, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किमी पर सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किमी पर सेकेंड है, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो बेटा ध्यान के सूत्र आप देखेंगे बेटा, तो ध्यान के कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो तो जो हमारा बेटा सी वाई क्या होता है, बी होता है, तो सी वायु और निर्वात प्रकाश की चाल 3 लाख है, तो 3 का 1 2 3 4 5 हो गया किमी पर सेकेंड बेटा। अपान की तुम्हारा 2 लाख है तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो ये बेटा 5 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किमी पर सेकेंड है ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 3/2 यानी कि 1.5 AlG। तो ये कांच का अपवर्तनांक हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। तो आपको बेटा समझ में आ गया। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, आपका जो अगला हेडिंग है लेंस, लेंस क्या है, लेंस आपका बेटा है अब देखिए लेंस क्या है, तो लेंस की बात करें, लेंस ये लेंस बेटा आपका है, लेंस की बात करें बेटा, तो लेंस में आपका बेटा किसी भी पारदर्शक माध्यम, किसी भी पारदर्शक माध्यम, जैसे हम कांच ले रहे हैं, ये कांच क्या है, पारदर्शक माध्यम, तो किसी भी आपका पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा हो, दो वक्र पृष्ठ जैसे आपका, एक आपका ये हो गया बेटा और एक आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका इस तरह भी बनता है बेटा। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के आपका होता है बेटा, जो लेंस होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, तो ये प्रथम पृष्ठ से कट बेटा, ये आपका प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ ये आपका बेटा है, और आपका ये द्वितीय पृष्ठ है, ये बेटा ये द्वितीय पृष्ठ हो गया, इसी तरह इसमें भी बेटा आपका ये प्रथम पृष्ठ कहलाता है, ये प्रथम पृष्ठ हो गया और ये द्वितीय पृष्ठ हो गया बेटा, द्वितीय पृष्ठ हो गया, ठीक बेटा। तो दो वक्र पृष्ठों से जो घिरा हुआ तल होता है वही तो आपका लेंस होता है। तो लेंस आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका जो होता है लेंस बेटा वह है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस बेटा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया बेटा तुम्हारा, और इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस, यह हो गया कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट, आप इसको कन्वर्जेंट भी लिख सकते हो बेटा, कन्वर्जेंट भी लिख सकते हो। तो आप देखिए कि उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, बीच में जो भाग है
ये मोटा है, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो तो उसे आप उत्तल लेंस का नाम देते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। ये जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। जैसे आपको एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा, होवेन आई मानव नेत्र में पढ़ाऊंगा, तो एक आता है निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। तो उसमें पूछता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेटा उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? वह है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस आपका ही है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है बेटा, ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो, मोटा। यहाँ पर पतला भाग है, कैसा भाग है? पतला भाग आपका है, और यहाँ पर क्या है? मोटा भाग। ठीक है बेटा, मोटा भाग हो गया। इसी तरह यहाँ पर मोटा भाग है, यहाँ पर मोटा भाग है बेटा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है? ये मोटा है, ये पतला भाग है, ये वाला पतला भाग है बेटा। समझ गए ना? तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा, सेकेंड अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जेंट, इसे अपसारी लेंस भी कहा गया है। अपसारी लेंस इंग्लिश शब्द डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट ना बेटा, डाइवर्जेंट होता है। तो अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस बेटा ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो तथा किनारों पर क्या हो, मोटा। बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? और ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है, अपसरित कर देता है। और जो उत्तल लेंस होता है यह प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस का नाम दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि जो आपका ये जो उत्तल लेंस है यह निकट दूर दृष्टि दोष का निवारण है। दूर दृष्टि दृष्टि दोष का निवारण निवारण क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा हर साल कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा बेटा कि उत्तल लेंस से किया जाता है। और ये निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण बेटा हम अवतल लेंस करते हैं। ठीक। अब उसके बाद तुम्हारा बेटा है नेक्स्ट हेडिंग है आपका लेंस से संबंधित परिभाषा। जो लेंस से संबंधित क्या परिभाषा है बेटा? डिफिनेशन, जो आपका डिफिनेशन रिलेटेड रिलेटेड टू लेंस यह बेटा है। तो डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, तो इसमें आपका बेटा लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस से संबंधित परिभाषा क्या होगा बेटा? परिभाषा। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो बेटा जैसा आपको हम बता दे, पहला आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। आपका पहला है प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष का नाम देते हैं। किसका देते हैं बेटा? मुख्य अक्ष का नाम देते हैं। तो आपको मैं बता दूं बेटा, लेंस के दोनों गोले पृष्ठों के वक्रता के वजह से, मान लो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है ना? लेंस के दोनों
जो ऋतु रेखा होती है, बस जो सीधी रेखा होती है उसी को हम उसका अक्ष का नाम देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष का नाम देते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा कि लेंस के दोनों कोणीय विश्व के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली जो आपकी ऋतु रेखा होती है या सरल रेखा होती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जो सेकेंड वाला जो भाग है बेटा ऑप्टिकल सेंटर को माना है, ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम कहते हैं प्रकाशी केंद्र, प्रकाशित केंद्र का नाम दिया जाता है। तो देखिए प्रकाशित केंद्र क्या है? तो प्रकाशित केंद्र बेटा तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। मतलब प्रकाशित केंद्र का नाम दिया गया है। प्रकाशित केंद्र को हम ओ से भी दिखाते हैं, बी से भी दिखाते हैं कहेंगे। तो इस प्रकार बेटा जो चीज मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखिए बेटा। एक बार पुनः मैं लेंस की तरफ जा रहा हूँ बेटा कि लेंस क्या है। तो बेटा लेंस जो बेटा तुम्हारा है कि किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच हो गया का हुआ भाग जो दो वक्र प्रिज्म से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस के भी तो नाम जानते हैं बेटा। अभिसारी लेंस का इंग्लिश शब्द है कन्वर्जेंट लेंस। और उत्तल लेंस होता क्या बेटा है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो किनारों को पतला हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है बेटा। और एक चीज और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप आंसर देंगे बेटा कि उत्तल लेंस का। किसका बेटा? उत्तल लेंस। अब बात आती है बेटा अवतल लेंस की। बात होती है अवतल लेंस क्या है? तो बेटा ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को बेटा कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस कहते हैं और इसे अपसारी लेंस के नाम से कहते हैं। अपसारी लेंस मतलब डाइवर्जेंट होता है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। और ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक बेटा। और जो अवतल लेंस जो होता है वह निकट दृष्टि दोष का निवारण करता है। अब उसके बाद बेटा तुम्हारा डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस की बात करें, लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि मुख्य अक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुख्य अक्ष होता क्या बेटा? ध्यान रखिए बेटा। तो यहाँ पर बेटा लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता के एक यह हो गया क्या हो दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली जो ऋतु रेखा होती है वही तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है बेटा आपका। तो चित्र में ये जो दिखाई दे रहा है यही प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद बेटा आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या है? प्रकाशित केंद्र क्या है? तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तक के पश्चात आपकी किरण की क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रहा है बेटा। इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसे ओ या पी से भी नोट करते हैं। अब नेक्स्ट आपका कल आपको बताया जाएगा।